700 किलोमीटर लंबा अरावली हिमालय और नीलगिरी पर्वत के बीच में फैला, जिसने भारत के उत्तर हिस्से को थार रेगिस्तान से अलग कर एक जीने लायक धरा बनने में मदद की। आप सभी को मुबारक हो दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड एरिया में रहने के लिए। आप सभी वकदाई के हकदार हैं और आप सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इसे, क्योंकि आप दिल्ली NCR के निवासी हैं। दिल्ली NCR वो एरिया है जिसको मरुस्थल होने से अगर किसी ने बचाया है तो वो है अरावली। अरावली अगर ना होती तो दिल्ली NCR का पूरा क्षेत्र, पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक मरुस्थल होता। अगर हमने आज इस अरावली को ना बचाया तो यकीन मानिएगा आने वाले 20 साल बाद जब आपके बच्चे आपकी उम्र के होंगे, आज से 30 साल बाद जब आपके बच्चे आपकी उम्र के होंगे, तो आपसे वो पूछेंगे कि भाई हम यहाँ सांस क्यों नहीं ले पा रहे, तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? आप उन्हें मरुस्थल में रहने के लिए फोर्स कर रहे हैं क्योंकि आप इस अरावली को बचा नहीं रहे। अरावली में इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, अरावली में इतना ज्यादा क्रशर जोन चल रहा है जिसकी वजह से अरावली के सारे नेटिव पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ पर पानी के जोहड़ नहीं बचे हैं। फरीदाबाद की झील, भटकल झील खत्म हो चुकी है, सूख चुकी है तरीके से। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी को स्टोर करने के लिए ना तो जोहड़ बचे हैं ना पेड़ बचे हैं। जी मैंने सवाल पूछा था जितेंद्र जी से, जो सेव अरावली के फाउंडर है, मैंने उनसे पूछा सर आपका क्या हिस्सा है इसमें? उन्होंने कहा मेरा इसमें व्यक्तिगत हित, इस अरावली को बचाने में मेरा व्यक्तिगत हित है, क्योंकि आज से 30 साल बाद जब आपके बच्चे और मेरे बच्चे खड़े होकर आपस में डिस्कशन करेंगे कि फरीदाबाद को इस पॉल्यूशन से बचाने के लिए आपने क्या किया, फरीदाबाद को इस पॉल्यूशन से बचाने के लिए मैंने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि मैं कम से कम इस सवाल का जवाब दे पाऊंगा कि मैं एटलीस्ट सेव अरावली की टीम बना के हाथों में तिरंगा लेके पौधे लेके चले तो सही, कुछ पौधारोपण किया तो सही, अरावली को बचाने की मुहिम तो शुरू हुई। 4 पौधे आपने लगाए, 4 हमने लगाए और आज 4-4 को करते करते आज 200,000 पौधे अरावली में लगाए जा चुके हैं और यही 200,000 और लाखों पौधे रेडी हैं आने वाले सालों में लगाए जाने के लिए। तो इंट्रोड्यूस करते हैं टीम अरावली से। सर यश जी, मेरा नाम यश बड़ाना है और मैं टीम सेव अरावली से करीब 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो हम लोग 8 साल से यही काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट होता है कि हर साल एक नया फॉरेस्ट बनाना। तो अभी हमने पिछले 3 साल पहले ये एरिया जो है 10 से 12 एकड़ हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके, परमिशन लेके बकायदा इसको डेवलप करने का जिम्मा उठाया है, जिसमें हम लोग यहाँ के नेटिव ट्री लगा रहे हैं सिर्फ। तो इसका नाम हमने फरीदाबाद फॉरेस्ट रखा है क्योंकि ये फरीदाबाद में है, गुड़गांवा रोड पर है और काफ़ी अच्छा एरिया है। हमारा टारगेट ये है यहाँ की जो विलायती कीकर हैं उनको हटा के और यहाँ के नेटिव ट्री यहाँ पे लगाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनिशिएटिव, वो दो लड़कियाँ हैं भगवान जिनका हाथ उनके कंधों पे देता है, उनके हाथों में देता है, जिन पे भगवान भरोसा कर सकते। और ऐसा ही कुछ इनिशिएटिव, ऐसा ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जितेंद्र भड़ाना जी ने ली अरावली को बचाने की और एक मुहिम शुरू की सेव अरावली के नाम से। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके इस इनिशिएटिव के बारे में। जी, माइनिंग का जो एरिया था 20 साल जो यहाँ से पहाड़ जो पैसे कमाने के चक्कर में या अपने अपने मतलब जेबें भरने के चक्कर में जो तबाही मचाई, तो बहुत सारी जो पौधे हैं पूरी बायोडाइवर्सिटी आई वुड से वो ख़त्म कर, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि मतलब हम देख नहीं पा रहे हैं, हम अपने अपने पैसों में, अपने अपनी गाड़ियों में, कोठियों में मस्त हैं कि हमारा बस गुजारा चल रहा है, हमारे पास पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसको एक अगर दूर दृष्टि से आप देखो तो वो बहुत बड़े डिवेस्टेशन की ओर हम जा रहे हैं। उसको हमें कंट्रोल करना होगा और उस कंट्रोल को करने के लिए हम पिछले 4-5 साल से छोटे छोटे जंगल बना रहे हैं। हर साल हम 20-30 हज़ार के करीब पौधे लगाते हैं और ऐसा नहीं है कि उनको लगा के हम छोड़ दें। हमारे पास पूरा असला है, 4-5 लोग काम करते हैं, फिर 8-10 बेलदार भी हमारे पास काम करते हैं और उनको लेके हम डेली उनको बच्चों की तरह पाल रहे हैं। मतलब नियमित तौर पर हम उनको पानी देते हैं, उनको उनकी सिक्योरिटी करी हुई है और हम कोशिश करते हैं कि एक भी पौधा उनमें ना बने। तो वो पूरा जंगल हम धीरे धीरे क्रिएट कर रहे हैं और इसमें मैं चाहूँगा कि पूरा फरीदाबाद, पूरा दिल्ली NCR हमारे साथ। दिल्ली NCR या फरीदाबाद की बात करें तो हमारे लिए अरावली क्यों इतना इम्पोर्टेंट? अरावली की ऐसी क्या सिग्निफिकेंट है कि अगर अरावली नहीं होगा तो हमारे साथ क्या तबाही आती, कैसा हो जाएगा पूरा? अगर कुछ 100-200 साल पहले आप देखें ना सारा जो यहाँ का जियोग्राफिकल पॉलिटिकल एटमोसफेयर जो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग भरतपुर में हैं जी। दिल्ली तो जब बना है ना 1907 में 6 में जब हम ले जाए थे तो दिल्ली बना दिया गया, हमें हरियाणा बना दिया गया, पहले हम पंजाब में डाले गए, अदरवाइज सर हम भरतपुर गए राजस्थान है कहने को भी। और आप वैसे भी देखोगे आप जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से एनवायरमेंट है, वो राजस्थान से मिलता जुलता है। एक चीज़ है जो हमें अलग करती है वो है अरावली। अगर अरावली बीच में नहीं होती हमारे और भरतपुर के बीच में, तो हम भी आज रेगिस्तान में बैठे होते। ये शुक्र है ऊपर वाले का कि उन्होंने बीच में हमारी अरावली डाली और आज हम इतनी बढ़िया एनवायरमेंट का।
मजा ले रहे हैं, जीने लायक बनाया, और उसको अनफॉर्चुनेटली हम पढ़ाई लिखाई करते गए, बहुत अच्छी अच्छी इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, बहुत बड़ी डिग्री करके बैठ गए, लेकिन हमें समझ भी नहीं आया कि हम जो जी रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही गंदा एनवायरनमेंट होने वाला है, और जो हो चुका है वर्ल्ड में आप देखोगे हमारी रैंकिंग मतलब टॉप नंबर वन पॉल्यूशन, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बदतमीजी है वो, तो उसको हमने थोड़ा देखा और अपने लेवल पे हमने उसको कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है, जो कि आज जंगलों के रूप में काम आ रही है, तो हम लोग जंगल बना रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि अरावली बचा रहे, क्योंकि अरावली अगर बचा रहेगा तो यहाँ पे जो राजस्थान और हरियाणा या दिल्ली को अलग करने वाला जो अरावली है, जो हमारा नेचुरल एक बैरियर है, वो हमारा बचा रहे, वो हमारा ख़त्म ना हो, और उसकी वजह से जो हमें फ़ायदे हो रहे हैं वो पानी का फ़ायदा हो सकता है, वो धूल का फ़ायदा हो सकता है, वो हरियाली का फ़ायदा हो सकता है, वो मॉइस्चर होने का फ़ायदा हो सकता है, वो बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं हमारे पास, तो उसको जिस तरह से हमने विकास के चक्कर में ना, एक कोई कहता है कि गुड़गांव में डेवलपमेंट हुई, नोएडा में डेवलपमेंट हुई, मैं कहता हूँ बिल्डिंगें बनी है, डेवलपमेंट नहीं है, ये बिल्डिंगें बनी है, आपने पैसा कमाया, दैट्स नॉट कॉल्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज समथिंग एल्स, जो आपको एक जीने लायक एनवायरनमेंट आपको बनाना चाहिए था वो आपने बिगाड़ दिया, तो इसलिए अरावली की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि अरावली अगर है तो ही हमारा जीवन है, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे बताऊँ 2015 में हमारे जहन में एक शब्द घुसा कि वन फॉरेस्ट चल रही है, तो हमने ये टारगेट लिया कि हर साल हम एक जंगल लगाएंगे। क्या वजह रही कि आप सेव अरावली के साथ जुड़े, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको एनकरेज किया? जो मुद्दा है शुद्ध हवा का, वो लगभग हर इंसान के जहन में है, तो जुड़ने की तो कोई ये है कि हर किसी के अंदर की कीड़ा है कि मैं इन्वायरमेंट के लिए कुछ करूँ, सेम यही चीज़ मेरे साथ रही। जब जाँच पड़ताल की तो 1960 में बढ़कर झील के लिए इरीगेशन डिपार्टमेंट ने मुझे, अच्छा, और भटकल झील के सूखने की वजह उनमें से एक डैम का सूखना भी है। वो भी बहुत बड़ी वजह, क्योंकि भटकल झील में पानी पहुंचाने के लिए वो डैम बनाया जी, ये अनखीर पहाड़ी के रकबे में जी, वहाँ से पानी डाइवर्ट होके परसौन के रास्ते भटकल झील गया। अच्छा, लेकिन अब उस एरिया में इतने इलीगल फार्म हाउस डेवलप हो गए हैं जिन्होंने वो पानी का सारा बहाव रोक दिया जी, वो पानी अपनी जगह नहीं पहुंच पाता, जब वहाँ स्टोर नहीं होता तो भटकल झील नहीं पहुंच पाता। अच्छा, लाखों लीटर पानी बारिश का जो हर साल वहाँ पहुंचता था, वो हमारे छोटे से लालच ने वो इधर उधर डाइवर्ट कर, जिस जगह हम खड़े अगर हमारे चारों तरफ देखोगे ना तो ये फार्म हाउसेस बने हुए हैं, स्वामी का आश्रम भी है पीछे, एक और खड़गान बाबा का आश्रम है, और इसके इससे अलग जो ये पूरा एरिया है यहाँ पे, जब भटकल झील बनी थी उस टाइम पे, आगे मैं दिखाऊंगा अभी आपको जी, एक डैम है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने सन लगभग शायद अप्रोक्स 1960 यानी 1960 में बनाया था, और यहाँ लगभग ये पूरी जो जमीन आप देख रहे हो ये 100 एकड़ के करीब ऐसी जमीन थी जहाँ भटकल झील जैसी ही एक और झील बनी हुई थी। अच्छा, जिसे हम लोकल्स जो यहाँ के गाँव वाले भरहणी के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमेशा इतना पानी स्टोर होता था और फ्लो होके परसौन के रास्ते यही पानी भटकल झील। अच्छा, तो परसौन में जो झरने बहते थे वो यही पानी जो मोस्टली जो हमेशा बहते रहते थे, हमेशा चलते थे, उसका मेन कारण यही था, ये जगह। अच्छा, प्रकृति बाबा हमें मिले हैं यहाँ पर, गवाल हैं, और यहाँ जो बाबा एक झील हुआ करती थी उसके बारे में बताएं, वो झील खत्म कैसे हो गई अचानक से, यहाँ तो मुझे कुछ झील जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा। ये जो पहाड़ी से पानी आता था जी, तो यहाँ एक बांध लगाया। अच्छा, पीछे बांध लगाया, पानी बनाने वाला जो हो रहा है। हाँ जी, ये बांध लगाया हुआ जी, जबकि ये पानी इकट्ठा होकर के झील में जाया करता था। जाएगा। अच्छा, इधर एक नाला खुदवाया हुआ, उसमें से पानी झील में जाता। अच्छा, पारा ऋषि जी के स्थान में पर हो। हाँ, वो पराशर ऋषि जी वाला। हाँ 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 हाँ, तो ये पानी इधर से जाएगा जी, सीधा वहाँ झील में पहुँच जी। हमारी किश्ती चलेगी मेवला महाराज खलन, इनके खेतों में भराएगी, चली जाएगी ऐसे पानी। तो झील कहाँ चली गई, गायब कैसे हो गई? बारिश, खदान बन गए बाहर में सारे में। अच्छा, तो इसमें पानी भरने लगा। अच्छा, और यहाँ पर जो झील थी उस झील का क्या हुआ? वो झील अब तो मतलब यहाँ झील जैसे हालात ही नहीं है, ये जगह भी किसके पास है, झील कहाँ चली गई यहाँ से? ये फार्म हाउस बना दिए लोगों ने। अच्छा, इसमें नहीं, ये तो विवाह वन था। अच्छा, ये सारा वन था, वन को तबाह करके पहले जमीन को सपाट किया और फिर फार्म हाउस बना दिया। यहाँ जोहड़ बनाया हुआ, उसमें पानी घुसा सकते हैं। वो जोहड़ भी खत्म कर दिया, वो भी खत्म कर दिया, उधर से रोड निकाल दिया, रास्ता को तोड़ दिया, रास्ता को तोड़ दिया। हाँ, जो कच्चा रास्ता जाता था, जो कच्चा रास्ता बनाया उधर जी 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 जी, तो वो पुस्ता तोड़ दिया वहाँ से जी, तो पानी निकलने लगा उधर को। ये जो दो गहरे बड़े बड़े कुएं से हम देख रहे हैं, ये क्या चीज है? ये जो पीछे आपके बने हुए हैं, ये कोई मंत्र
अच्छा, किस पर्पस के लिए बनाए, मतलब क्यों बनाए हैं? वो ही तो अपनी यासीनी के लिए बनाए हुए, 25-30 लाख रुपए का वो उसमें लगाया था। अच्छा, तोड़ दिया सरकार ने। अच्छा ठीक है बाबा, धन्यवाद। एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ देशभक्ति के मंत्र यहाँ हमने आकर बातचीत तो है, हमने बात तो शुरू की, वाद संवाद तो शुरू किया, नहीं तो लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठ के अक्सर चाय पे चर्चा करते हैं। फरीदाबाद पॉल्यूटेड होता जा रहा है, दिल्ली पॉल्यूटेड होता जा रहा है, और पूरे हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड एरियाज में हम लोग रहने लगे। कि कुछ देशभक्ति के मंत्र यहाँ हमने आकर बाजे तो हैं, हम अनाचार के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, और प्रदूषण के इस अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, एक धीमा ही सही तमाचा पर इसके मुंह पर मारा तो है। हमने बात तो शुरू की, अब लोग कहने तो लगे कि कुछ बदलाव आ तो रहा है, लहर उठ तो रही है, ग्रीनरी दिख तो रही है, कुछ हो तो रहा है, और ये कुछ लड़के कर तो रहे हैं। 20,000 पौधे रेडी है, 20,000 पौधों को अगर इस मानसून में ना लगाया गया तो आने वाले मानसून की हम तैयारी कैसे करेंगे? इसके लिए हमें जरूरत है श्रमदान की, जरूरत है इसके लिए हमें आपके योगदान की जरूरत है, इसके लिए हमें आपके धन दान की जरूरत है। आइए साथ जुड़े और इस अरावली को एक सुनहरा अरावली बनाए, एक ऐसा हरा भरा अरावली बनाए जहाँ जोहर जिंदा हो सके, जहाँ हमारी झील जिंदा हो सके, जहाँ हमारे पेड़ पौधे जिंदा हो सके, और जहाँ हमारी जो स्पेशियस जानवरों की और पक्षियों की गुम हो चुकी है हम उन्हें वापस ला सके। आओ पेड़ लगाए और भारत माँ की छाती को बंजर होने से बचाएं, और सेवरावली के साथ जुड़ेगा।